ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आ चुके हैं हम एक बार वापस से लेकर आर्क सुप्रीम की एक और वीडियो लेकर, जहां पर पिछली बार हमने टीम कर लिया था पल्प डॉग, लेकिन वो आई थिंक मेरी इन्वेंटरी में है क्योंकि मैंने उसे सोल कर लिया था। और व्हाट द हेक, मैं FMK मॉड डालना फिर भूल गया। बट गाइस एक चीज मेरे को याद है कि ये बल्ब डॉग अपना हार्वेस्टिंग नहीं कर सकता, तो हमें एक ऐसा डायनो टेम करना पड़ेगा आज जो कि हार्वेस्टिंग कर सके। और आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मेरे को डेल्टा ट्राइक ही टेम करनी पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि डेल्टा ट्राइक बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं चाहूँ अल्फ़ा भी डायनो टेम कर सकता हूँ क्योंकि अपने पास अल्फ़ा की सारी चीज़ें हैं, बट सीन ये है कि अगर मेरे को अल्फ़ा का केबल बनाना है तो मेरे को क्या क्या चाहिए। मेरे को वेजीज उगानी है, तो वेजीज का सीन ये है कि वेजीज उगाने के लिए मेरे पास सीड वगैरह होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है। और एक डायनो ऐसा चाहिए जो हार्वेस्टिंग कर सके, तो फिर मेरे को डेल्टा ही ट्राइक टेम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो डेल्टा केबल इजीली मैं बना पाऊँगा, और दूसरी बात क्या मैंने दो केबल बनाए थे या फिर एक ही बनाया था, आई थिंक एक ही बनाया था। चलो तो डेल्टा केबल से सबसे पहले हम डेल्टा ट्राइक टेम करेंगे, फिर हम वेजीज उगाएंगे, तब जाके हम कहीं अल्फा डायनो टेम कर पाएंगे, क्योंकि वेजीज वगैरह तो मैंने बिल्कुल ही नहीं उगाई है। बट सीन ये है कि मेरे को अभी भी वो चाहिए, क्या कहते हैं, नार्कोटिक। और आई थिंक ये लो लेवल का ट्राइक हो तो सही है। वैसे तो इस एरो से 6 के टोरपोर पड़ता है, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इससे 6 के टोरपोर पड़ता है तो पूरा 6 के टोरपोर पड़ेगा कि नहीं, या फिर सिर्फ गेम में बोला गया है। ड्रॉप आ रहा है, क्या है ड्रॉप में, वुडन हाउस, वुडन नहीं चाहिए। ये वाले जो स्केलेटन एपेक्स ब्रोंटो हैं ये फालतू में अटैक करते हैं, तो इनसे हमें पंगे नहीं लेने हैं। ओ ये प्राइम, बट ये प्राइम मीट खाएगा और प्राइम मीट मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है। स्ट्राइक की टोरपोर है 32K, तो 6 × 6 36। अगर एक एरो से 6 की टोरपोर पड़ता है तो मेरा जितने एरो हैं उतने में काम हो जाना चाहिए। वैसे जब 6 के टोरपोर पड़ रहा है काम हो जाएगा, 6 के से ज़्यादा ही पड़ रहा है, 10 के टोरपोर पड़ रहा है। व्हाट, मिस कैसे हो गया? नाइस, कोई बात नहीं। ओके 18K, एक अटैक और, आई थिंक काम हो जाएगा एक अटैक का। अभी इसका एग्रो हट नहीं रहा है, पहली बार में एक एग्रो को हट गया था वैसे। ओके हट गया, नाइस, तो चाहता था मैं। रुक 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 रुक, एरो नहीं है मेरे पास ज्यादा। ओके ऐसे अनकॉन्शियस हो गया, चलो कोई सीन नहीं है। बट इसका फूड का यार मेरे को कुछ, कैसे फूड वाला कुछ सिस्टम है अपने पास, छोड़ देता हूँ टीमिंग होने के लिए, तब तक हम वेजीज वगैरह सिस्टम उगाते हैं, अपने क्रॉप प्लॉट वगैरह का सीन देख लेते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ पूरा ग्रीन हाउस ही बना लूँ, क्योंकि अपने पास सारी चीज़ें तो हैं लगभग, बस फाउंडेशन लगा के मेरे को यहाँ से पीछे से ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा। ये टेम्ड हो गया बड़ी जल्दी, चलो अपना काम तो हो गया। ट्राइक टेम, अब मैं इसकी मदद से चीजें हार्वेस्ट कर पाऊंगा। वैसे ये एरो अच्छे हैं, बट सीन यही है कि इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा वो नार्कोटिक लगते हैं। अरे यार मैंने इसका सैडल तो बनाया नहीं, पहले सैडल बना लेते हैं। तो डेल्टा ट्राइक सैडल,
इसके लिए क्या लगता है, क्या क्या है? डेल्टा हाइड, फाइबर एंड वुड, वो तो सब है मेरे पास। और मैंने डायनोस की मूवमेंट स्पीड कम कर दी है फाइनली, तो कोई सीड नहीं है अभी मेरे को। एक सेकंड, मेरे इन्वेंटरी में पहले से ही भेजी है। ओ हाँ, मेरे पास सावर रूट का सीड है, मैंने देखा ही नहीं। मेरे को एक डंग बीटल भी टेम करके लाना पड़ेगा, क्योंकि डंग बीटल के बिना हम फर्टिलाइजर कैसे बनाएंगे। और आइटम कलेक्टर लगता है वो भी टेम बनाना पड़ेगा। विदाउट आइटम कलेक्टर हम पूप कैसे कलेक्ट करेंगे बहुत सारी। और ये ट्राई देखो भाई, ओके, इसका काम तो हो गया क्या? डेल्टा वो भी होता है क्या, डंग बीटल? अगर डेल्टा डंग बीटल होता है। ओके, डेल्टा डंग बीटल तो है नहीं, आई थिंक नॉर्मल डंग बीटल मेरे को केव से टेम करके लाना पड़ेगा। ओ, डेल्टा जायंट डंग बीटल है तो फिर पहले क्यों नहीं दिखा रहा था मेरे को? इधर है एक 210 लेवल का नो जेंडर, आई थिंक स्पॉइल्ड मीट से टेम हो जाना चाहिए। वैसे तो पैसिव टेमिंग है गेम में नॉर्मल जैसे होती है, तो स्पॉइल्ड मीट है मेरे पास। स्पॉइल्ड मीट आई थिंक है ही नहीं मेरे पास। वो है, 4 स्पॉइल्ड मीट है। आई थिंक इतने से तो काम हो जाएगा। ट्राई कहीं, रुक, तब तक मैं आता है उसको टेम करके। अरे केओ टेम है, 33K इसको चाहिए भाई। ओ, ये डेल्टा केवल ही खाएगा। ओके, तो ऊपर से केओ टेम है। भाई इसकी स्पीड कितनी भाई, मेरे को ना पता था ये इतनी तेज दौड़ के आएगा, मैं सोचा धीरे धीरे आएगा। व्हाट भाई, क्या धोखा हो गया, ये तो अलग ही धोखा थड़ी हो गई। अटक गया, नाइस रे, ना तो काम हो गया। पर ये इतना बड़ा है कि लूडो का एग्रो हट गया ना, नाइस। ये ले भाई, ओह ये फर्टिलाइजर बनाता है। इसको 3 पूप और 50 थैच चाहिए। अबे ये तो बिल्कुल उसकी तरह दिखा रहा है, जैसे कि वो होता है फर्टिलाइजर वाली बनाने वाली। ओके, नाइस 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 नाइस। मैं रुक, मैं रुक, फुल बॉल। अरे सोल हो जा, अरे भाई चलो सोल कर लिया मैंने उसे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैंने उसे सोल कर लिया है, बच गया। ओके, ये चीज तो मैंने कर ली, अब बस बचा है अपना ग्रीन हाउस कंप्लीट करने का सीन। उसको जल्दी मैं कंप्लीट करता हूँ। अबे यार ये तो इतना बड़ा है कि सही से आई कहीं नहीं। हेलो भाई, तेरा छोटा वर्जन नहीं तो कोई। अब बस मेरे को ग्रीन हाउस कंप्लीट करना है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा।
ओके तो हमने इतना काम तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी रिसोर्स ख़त्म हो गए हैं तो हम इसको यहीं पे बंद करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे केव और वहाँ से बहुत सारे वो क्या कहते हैं, एक तो चिटिन वाले डायनो मारेंगे, उससे हमें चिटिन मिल जाएगा जिससे हम 17 केव्स बना सकें। तो इस वीडियो को यहीं रैपअप करते हैं गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, और वीडियो को लाइक कर देना, बाय बाय। ओह।